हेलो गाइस, वेलकम है आज नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, अपने स्टाइल से बनाएंगे, जलफ्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जलफ्रेजी में ये ग्रेवी कम होती है, ठीक है। तकरीबन 1 किलो चिकन है, 2 करके आपसे मिलता हूँ दोबारा। फिर ये मैंने ना 2 मीडियम साइज के लिए अनियन, तो ये चॉप करके नहीं है ना, ये चॉप कर लेंगे। एक टमाटर लेंगे ग्रेवी के लिए, स्टार्ट करते हैं। आग मैंने जला ली थी, तकरीबन आधा कप डालेंगे ऑयल का, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो गर्म होने देते हैं। ऑयल हो गया गरम, तो हम इसमें डालेंगे अनियन। दो छोटी चम्मच जो है ना अदरक लहसुन पेस्ट की है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे साबुत मसाले, सिनेमन स्टिक है, जावित्री है, बड़ी इलायची है काली, तेज पत्ते है, ग्रीन इलायची है छोटी, ये जो है ड्राइड चिली है, लौंग है 3-4, स्टार नीस है, ठीक है, साबुत जीरा है और छोटी काली मिर्च है। आप चाहें तो इनमें से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाकी फ्लेवर हो, आपके जो गेस्ट हैं खाएं तो उनको खुशबू आए मसालों की। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मसाले आप डालें, अगर आपके पास नहीं है या नहीं किसी का नहीं होते घर में तो आप इनमें से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे मसाले खुशबू के लिए, जायके के लिए। इसको अच्छी तरह भून लेंगे,
क्योंकि अनियन ऑलरेडी जो है ना वो छोटा छोटा है। इसमें मैं जो एक टमाटर चॉप किया था ये डाल दूंगा। अच्छी तरह भूलेंगे, अभी से खुशबू आना शुरू हो गई मसालों की, साबुत मसालों की। ये देखिए गाइस, इस मौके पे आके जैसे ही थोड़ा सा आपका पनीर वगैरह थोड़ा सा रेड हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए, तो इस मौके पे आके आपने दो छोटी चम्मच जो है ना वो कसूरी मेथी डालनी, इसको अच्छी तरह मसल लें। पाउडर नहीं डालना इसमें, मसल करके पाउडर का जो फ्लेवर है वो टोटली चेंज हो जाता है। इस मौके पे आके ना कसूरी मेथी डालनी, अभी से बड़ी अच्छी स्मेल खुशबू आना शुरू हो गई है। ये तकरीबन डेढ़ चम्मच जो है ना वो नमक है, हसबे जायका आप नमक डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। एक जो छोटी चम्मच है वो लाल मिर्च की है और तकरीबन एक ही जो है ना वो हल्दी की है। नमक जो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये काली मिर्च है, ये भी तकरीबन बाद में डालेंगे। तो ये एक क्यूमन और कोरिएंडर का पाउडर है और ये गरम मसाला है। मसाला जो है ना आपका, अब अकेले मसाले से भी जो है ना आप रोटी खा सकते हो, इतना खुशबूदार। ये देखें मसाला भुन गया, ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। इस मौके पर आप चिकन डालेंगे, ये तकरीबन एक किलो के करीब चिकन है। अच्छी तरह धो लिया था इसको, हाथ भी मैंने अच्छी तरह धोए हैं अपने। मसाला जो ना अच्छी तरह इसको हिला लें, मिक्स कर लें मसाले में, ताकि मसाला जो ना चिकन के अंदर तक चला जाए। फिर इस मौके पे आगे हल्का सा पानी लगाएंगे इसको, ठीक है। हिलाने के बाद अच्छी तरह इसको ढक्कन लगा देंगे, तो ये तक 20 मिनट ढक्कन लगाने के बाद अब इसको करेंगे रेस्ट, तकरीबन 20 मिनट इसको पकने दें। तो बस दरमियान में थोड़ा सा चेक कर लेंगे, बस लगे ना थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल मैंने ज़्यादा रखा है, तो इसलिए ऑयल जो है ना वो लगने नहीं देगा होपफुली। लेकिन अगर ऑयल कम है, क्योंकि हम भी अक्सर जो है ना चीज़ें ज़्यादातर ऑयल कम में बनाते हैं, तो वो लगने का खतरा होता है, तो लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा है तो होपफुली नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चम्मच ला के तो आप चेक कर सकते हैं साथ साथ। तो बाकी मिलता हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। ऐसे अभी चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचा है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन गाइस खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, ठीक है। इस मौके पर मैं काली मिर्च डालूँगा, ठीक है, 3/4 या एक छोटी चम्मच के करीब है। और ये दो छोटी चम्मच जो है ना वो कोरिएंडर और क्यूमन पाउडर जो है ना, गरम मसाला एंड में डालेंगे।
मसाला कितना अच्छा। रख लाने के बाद अब फिर इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आंच पे शक हल्की करते हैं, मीडियम पे करके तो मिलते हैं फिर 10 मिनट बाद। गार्निशिंग के लिए धनिया चॉप कर लेंगे, चिली भी डाल दूंगा इसमें, इसको थोड़ा सा ला लेंगे। कैसी प्यारी ग्रेवी बनी है इसकी, और सही देगों वाला जो है ना वो रेस्टोरेंट वाला कोरमा लग रहा है इस मौके पे। आगे इसमें दही डाल दे तो ये कोरमा आपका तैयार है, क्योंकि हम आज जलफ्रेजी बना रहे हैं तो जलफ्रेजी के लिए थोड़ा सा इसको ग्रेवी को सुखाना पड़ेगा। ग्रेवी जब सूख जाएगी तो फिर इसमें ये मैंने चॉप करके रखे हैं टमाटर, ये देखें जलफ्रेजी के लिए ये टमाटर इस तरह डाइस में जाएंगे। अनियन है ठीक है, ये भी डाइस में जाएंगे। कैप्सिकम है, ये भी दो कलर के मेरे पास थे, जो भी अवेलेबल है आप इसमें बड़े बड़े पीसेस एंड पे डालेंगे। ये इसको पकाना नहीं है, इसके अंदर घुलाना नहीं है, सिर्फ ये हल्का हल्का सा फ्लेवर देंगे और अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हट के एक चीज़ हो जाती है, बेस जो है ना आपकी बेसिक यही है चिकन की। बस ये है कि जो आपके जब गेस्ट आए तो उनके लिए थोड़ा सा ये जलफ्रेजी टाइप, इसमें यह है ग्रेवी जो कम होती है, बस अनियन और टमाटर जो टमाटरों की गिरी ग्रेवी है वो कम रखते हैं, बाकी बेस वो सेम ही सारी चिकन की। इसमें अगर दही डाल देंगे तो आपका चिकन कोरमा बन जाएगा। तो इसमें ग्रेवी कम करके ये डाइस करके एक दो मिनट के लिए इसको सोटे करेंगे इसके अंदर ही, तो ये आपकी जलफ्रेजी बन जाएगी। जलफ्रेजी दो तरह की होती है, एक तो ये है कि चिकन के जो पीसीज है ना वो बिल्कुल जैसे वो रेशेदार होते हैं उस तरह भी बनाते हैं, और इधर रेस्टोरेंट्स में हमारे इस तरह भी चलती है चिकन की ग्रेवी बना के तो साथ इसके बड़े बड़े चंक्स डाल देते हैं। ये शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, चंगा। ये 10 मिनट हो गए हैं, इसकी जो है ना वो ग्रेवी थोड़ी सी पक गई, ज़्यादा से मुराद है इसकी ग्रेवी जो है ना उसको मैंने थोड़ा सा पका लिया। तो उसके बाद ये अभी जलफ्रेजी के लिए ये कैप्सिकम जो मैंने डाइस किए थे ये डालेंगे, टमाटर डाइस थे ये डालेंगे, ये अनियन है। एक किलो चिकन के लिए तकरीबन एक कैप्सिकम, दो टमाटर और दो ही प्याज जो है ना आपने इसमें डाल देने हैं। बस इसको एक दो मिनट ही सोटे करना है, ताकि थोड़ा सा जो है ना कैप्सिकम और अनियन जो है ना वो आपका सॉफ्ट हो जाए। इस मौके पे डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला मैंने डाला है एक छोटी जो चाय की चम्मच है वो डाला है गरम मसाला। गरम मसाले में सारे साबुत मसाले जितने हैं ना वो मैंने ग्राउंड किए हुए, वो आप उसकी रेसिपी मेरे देख सकते हैं चैनल पे।
ठीक है, इसको बस एक दो मिनट और करेंगे तो आपका जो है ना वो जलफ्रेजी आपकी तैयार है। अब मैं हल्का सा दम देने लगाऊँ, सिर्फ एक दो मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं इनको पकाना, ताकि जब खाएँ आप गैस तो सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो। बस एक दो मिनट के लिए इसको दम देना है, वो उसकी स्टीम में पक जाएंगे जो अभी डाइस डाले हैं वेजिटेबल्स वगैरह। तो एक किलो के लिए मैंने एक कैप्सिकम, उसका आपने डाइस कर लेना है, किसी भी शेप का कर लें ज़रा, लेकिन पीसेस जो है ना चंक्स वो बड़े बड़े हों। दो अनियन ले लेने, उसके भी बड़े बड़े चंक्स काट लें। उसके अलावा दो टमाटर ले लें, वो भी बड़े बड़े, सीड्स के साथ ही, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो करके जब आपका चिकन रेडी हो जाए, एंड पे बिल्कुल रेडी होना चाहिए आपका चिकन, उसके बाद एक दो मिनट के लिए आपने उनको सोटे करना है और बस सॉफ्ट करना है, तो बड़ा अच्छा आपका फ्लेवर देंगे। ये देखें बस, और कोशिश करें कि डिफरेंट तरह के जो कैप्सिकम है ना, अगर एक या दो कलर के मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें, देखें सॉफ्ट शक्ल से लग रहा है कि थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया। इसके ऊपर आप करेंगे गार्निशिंग, धनिया डालेंगे, ठीक है। ये आपकी जो ना वो जलफ्रेजी आज आपकी तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हौसला अफजाई मिलती रहे साथ साथ। ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइज, थैंक यू, आपने वीडियो देखी अंत तक, और नेक्स्ट टाइम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में।